एचडीएफसी बैंक के नंबर्स पर, और ये नतीजे इस लिहाज से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि मर्जर के बाद ये पहला नतीजा बैंक पोस्ट कर रहा है। तो क्या कुछ अनुमान है इस बार के नंबर्स से? वैसे तो कंपेरेबल नहीं होंगे नंबर्स, लेकिन किस तरह की ग्रोथ नज़र आ रही है ओवरऑल बुक्स में, एसेट क्वालिटी को लेकर किस तरह के नंबर्स आ सकते हैं ये एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ हर्ष जुड़ चुके हैं पूरे एनालिसिस लेकर। हर्ष बताइए। जी हाँ, तो जो HDFC बैंक का जो NII है 23% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है NII में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अराउंड 24,000 करोड़ के आसपास वो नंबर एक्सपेक्टेड है। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो 20% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। जो ओपेक्स है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो काफ़ी एलिवेटेड रहेंगे HDFC बैंक के लिए। ये साल भी काफ़ी एलिवेटेड रहेंगे, लास्ट ईयर भी FY23 में भी एलिवेटेड था, क्योंकि HDFC बैंक 1500 ब्रांचेस ऐड करने का कमिटमेंट कर चुका है FY24, 25 और 26 में। तो वो कमिटमेंट के दौरान ओपेक्स काफ़ी एलिवेटेड रहेगा, यही एक्सपेक्टेशन है, जिसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट NII जितना एक्सपैंड नहीं होगा, तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी नहीं मिलेगा शायद से ये साल भी। जब प्रोविजनिंग नंबर को देखें तो 4000 करोड़ के आसपास वो प्रोविजनिंग नंबर आएगा, और जिसके वजह से, और प्रोविजनिंग साइड पे एग्री बुक पे एक फोकस रहेगा कि एग्री बुक का एक तो परफॉर्मेंस कैसा है और कमेंट्री कैसा आता है HDFC बैंक से, तो ये दो चीज़ें पे मॉनिटरेबल और फोकस रहेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लार्जली स्टेबल, 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ये पर्टिकुलर नंबर पे, और जब हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्यूमुलेटिव नंबर देखें 11,000 करोड़ आसपास एक्सपेक्टेड है स्टैंड अलोन नंबर फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 20% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। NPS की बात करें तो मे बी स्लाइट इंक्रीज आएगा, स्लाइट एक्सपेंशन आएगा NPS में, बट लार्जली स्टेबल सेट, बहुत ज़्यादा इंक्रीज की एक्सपेक्टेड नहीं है, ना ही रिडक्शन एक्सपेक्टेड है, लार्जली स्टेबल सेट एक्सपेक्टेड है NPA के नंबर फ्रंट पे। और लार्जली जब कमेंट्री में भी देखे और जब ग्रोथ नंबर्स भी देखे, 16% ग्रोथ एडवांसेस में ऑलरेडी आ चुका है, अराउंड 19% प्लस ग्रोथ डिपॉजिट्स फ्रंट पे भी आया है, तो एक अच्छा डिपॉजिट मोबिलाइजेशन चल रहा है HDFC बैंक का। और ओवरऑल जब देखे तो ग्रोथ आ रहा है लार्जली कमर्शियल और रूरल बैंकिंग से और रिटेल से, तो ये दो उनके लीवर्स काफ़ी अच्छे ग्रो हो रहे हैं। ओवरऑल एक स्टेबल सेट एक्सपेक्टेड है HDFC बैंक से। थैंक यू हर्ष आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। विवेक, आपसे राय लेना चाहेंगे HDFC बैंक के नतीजों में इस बार आप क्या वॉच करेंगे? देखिए पूजा, आफ्टर मर्जर ये पहला रिजल्ट रहेगा, तो इसके कारण मुझे लगता है कि एक मतलब ज्यादा पॉजिटिव या ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा, एक मार्केट एक्सपेक्टेड के तौर पे ही आने वाला है। और जितना जैसा भी मतलब ये मर्जर के बाद जो बिजनेस होगा उसका प्राइसिंग ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, करीबन 1640 जो चल रहा है अभी स्टॉक, मुझे लगता है कि इसका अपसाइड भी थोड़ा सा कैप रहेगा अगले एक क्वार्टर के लिए। फुल रिजल्ट आ जाए एक बार आफ्टर मर्जर, उसके बाद में एक्चुअली एक क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस के साथ बता पाऊंगा कि क्या इसमें आगे एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो फिलहाल तो बस वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। ठीक है, तो HDFC बैंक वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाइए, इस बार के नतीजे आएंगे, कमेंट्रीज जब आएंगी तो उसके बाद यहाँ पर हम एनालिस्ट से फिर से वापस से समझने की कोशिश करेंगे नतीजों को, तो इस पर हमारी नजर रहेगी। चलिए।